अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आइए आज हम छठी जमात के साइंस सब्जेक्ट जिसमें नौवां लेसन है जिसका नाम है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, यानी हरकत और उसकी किस्में। तो हम पहले ये जान लें कि मोशन क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई चीज़ों में हरकत नज़र आती है। हरकत करती हुई चीज़ को हम मुतहर्रिक चीज़ कहते हैं, हरकत करती हुई चीज़ को हम मुतहर्रिक चीज़ कहते हैं। ऊपर की जो तस्वीर में दिखाया गया है उसमें कौन सी चीज़ें हरकत कर रही हैं ये आप जानते हैं, हमारे समझ में आ रहा है कि बच्चा पैर से किक मारा है बॉल को, लट्टू घूम रहा है, एक लड़के ने बॉल को ऊपर फेंका है तो बॉल हरकत कर रहा है ना, हवाई जहाज उड़ रहा है, कुमार मटका बना रहा है, पहिया घूम रहा है, ये हरकत है। लेकिन हरकत की अलग अलग किस्में हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हरकत क्या है। आपने देखा होगा और अक्सर हम लोग गाड़ियों में बस में सफ़र करते हैं है ना, तो हमें खिड़कियों से कुछ ऐसे नज़ारा होता है। देखिए इस तरह से ये नज़ारा होता है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और सारे दरख्त नज़ारा पीछे भाग रहा है, ऐसे हमको महसूस होता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या कभी हम बस के इंतज़ार में स्टॉप पे बैठे हैं और गाड़ियाँ जो है ना वो दौड़ती हुई नज़र आती है हमको, भागती हुई नज़र आती है, तो इसको बोलते हैं हरकत। जैसे यहाँ पर एक शक्ल दिखाई गई है, ये लट्टू घूम रहा है ना, हरकत कर रहा है, तो ये इसकी जो स्पीड है ना, हरकत की जो लाइन से इससे पता चल रहा है कि वो हरकत कर रहा है, तो इसको कहेंगे मोशन, हरकत। तो हम रोज़मर्रा जो है दिन भर में ऐसे कई काम करते हैं, यानी बगैर हरकत के काम ही नहीं होगा। घड़ी हरकत करती रहती है, पंखा घूमता है, पंखे की हरकत, गाड़ियों की हरकत, हवाई जहाज़ की हरकत, कीड़े मकोड़ों की हरकत, हर जानदार, तमाम जानदार हरकत करती हैं। अब उन हरकतों की अलग अलग किस्में हैं। ये सबक में यही बताने की कोशिश की गई है कि हरकतें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन, हरकत की किस्में। यहाँ देखिए पहला दिया हुआ है इस सबक में लाइनियर मोशन, यानी खती हरकत, एक ही खत में होने वाली हरकत को लाइनियर मोशन कहते हैं। इस पेज पर देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले लाइनियर मोशन, खती हरकत। अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन, दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइनियर मोशन। यानी जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं, रेलगाड़ी और रास्ते से तेजी से आने जाने वाली सवारियां एक ही खत में, यानी एक ही सीध में, एक ही सिमत से सफर करती हैं। चुनांचे एक ही खत में शय का हटाव होता रहे तो ये इस शय की खती हरकत कहलाती है, या इस शय का खती हरकत कहलाएगा। कुर्सी पर खड़े होकर हाथ से एक गेंद नीचे गिराएं तो जमीन पर गिरती है। अगर ऊपर खड़े रहें कुर्सी पर, उसको गेंद को नीचे छोड़ें तो गेंद जमीन पर नीचे गिरती है सीधी। इससे आप क्या समझते हैं, यानी जो बॉल है, गेंद है, वो सीधी नीचे गिरती है ना। ये एक खती हरकत है, बॉल हरकत तो कर रहा है लेकिन एक खत की शक्ल में हरकत कर रहा है। परेड करने वाले जो नौजवान होते हैं, सिपाही होते हैं, फौजी होते हैं ना, जो परेड करते हैं, उनकी जो हरकत है वो भी एक खती हरकत है, एकदम एक सीध में, एक लाइन में होती है। फिसलकुंडी से जो बच्चे फिसलते हैं तो आप देखते होंगे कि शुरू में स्लो होता है और बाद में तेज़ हो जाती है, तो इन दोनों में फ़र्क है बराबर। परेड करने वाले नौजवानों की हरकत जो होती है बिल्कुल एक जैसी होती है, इसमें ज़रा सा भी कोई फर्क नज़र नहीं आता, लेकिन फिसलकुंडी पर फिसलने वाली लड़की या बच्चा, उसकी हरकत में थोड़ा सा चेंजेस आता है, बदलाव होता है। शुरू शुरू में उसकी स्पीड कम होती है और नीचे जाने के बाद स्पीड बढ़ती है। ऐसा ही अगर हम ऊपर कोई पत्थर फेंकें तो वो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है, और नीचे आते वक्त उसकी स्पीड में इजाफा होता है ना, उसकी हरकत में इजाफा होता रहता है, कुव्वत शक्ल की वजह से होता है। तो नौजवानों की हरकत यकसा खती हरकत है, यानी एक ही खत में होने वाली हरकत है, क्योंकि हरकत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। लेकिन फिसलकुंडी पर से फिसलने वाली लड़की की हरकत गैर यकसा खती हरकत नजर आती है। तो इससे ये पता चलता है कि खती हरकत की दो खास किस्में हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, खती हरकत की, लाइनियर मोशन की दो किस्में यहाँ पर बताई गई है। हमारे समझ में आ गया कि एक हरकत एक सीध में तो हो रही है मगर उसकी स्पीड में इजाफा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसकी बिना पर यहाँ लाइनियर मोशन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है यूनिफॉर्म लाइनियर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म लाइनियर मोशन। यानी पहला जो है यकसा खती हरकत, एक जैसी, जैसे सिपाहियों की, फौजियों की जो हरकत होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, इसे कहेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और जो एक जैसी नहीं है लेकिन एक ही खत में है, एक ही सीध में है लेकिन एक जैसी नहीं है, तो इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, गैर यकसा खती हरकत। तो आइए हम देखते हैं इसके ताल्लुक से। पहले देखेंगे यकसा खती हरकत, किताब पे देखें, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज द सेम, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यानी मैं अभी बता चुका हूँ कि किसी शय के जरिए इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला जब मुसलसिल मसावी होता है तो इस हरकत को यकसा खती हरकत कहते हैं, यूनिफॉर्म लाइनियर मोशन कहते हैं। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी गैर यकसा खती हरकत। इसकी तारीफ यूं है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
along a straight line in unit time keeps on changing. The motion is called non-uniform linear motion. यानी अगर किसी शय के जरिए इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला मुसलसिल बदलता है तो शय की इस हरकत को गैर यकसा खती हरकत कहते हैं. तो लीनियर मोशन की दो किस्में हमारी समझ में आ गई. अब दूसरी टाइप्स ऑफ मोशन दूसरा है नॉन लीनियर मोशन, यानी जिसे हम उर्दू में कहेंगे गैर खती हरकत. अब गैर खती हरकत की पहले तारीफ हम सुन लेंगे. गैर खती हरकत की चार किस्में यहाँ पर बताई गई है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो पहले हम नॉन लीनियर मोशन क्या है इसके बारे में देखेंगे. तो देखिए किताब पे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन. ठीक है, यानी गैर खती हरकत, शय की हरकत खत मुस्तकीम में ना हो तो उसे गैर खती हरकत कहते हैं. यानी ये जो हरकत है ये एक खत में एक सीध में नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम है गैर खती हरकत. अब यहाँ देखिए इस हरकत की मुंदरज ज़ैल किस्में हैं. यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने चार किस्में बताई है गैर खती हरकत की. तो पहली हरकत देखिए ऑसिलेटरी मोशन, यानी एहतजाजी हरकत. एहतजाजी हरकत क्या है इसके ताल्लुक से देखिए किताब में. जब आप झूला झूलते हैं तो झूले की जो हरकत है वो किस तरह की होती है. झूला हमेशा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर वापस आता है. इसे एक चक्कर के लिए आमतौर पर मसावी वक्त दरकार होता है. झूले की इस हरकत को एहतजाजी हरकत कहते हैं. झूले की जो हरकत है एक जगह से वापस बार 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 अपने हर पॉइंट पर बार बार आता है, तो ऐसी हरकत को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन यानी एहतजाजी हरकत. इसी तरह घड़ी में हरकत करने वाला जो रकाज होता है यानी पेंडुलम जो होता है ना हरकत करने वाला, परिंदों के जो पर हैं उनकी जो हरकत है वो भी एहतजाजी हरकत है. सिलाई मशीन की जो सुई है उसकी जो हरकत वो भी एहतजाजी है. ढोल या तबले की जो हरकत है पर्दे की वो भी कैसी है, एहतजाजी हैं. ये एहतजाजी की मिसाल है. दूसरा देखेंगे सर्कुलर मोशन यानी दायरवी हरकत. दायरे की शक्ल में जो हरकत होती है उससे कहेंगे हम दायरवी हरकत. तो वो देखिए किताब में, घड़ी के जो कांटे हैं वो दायरवी हरकत में हरकत करते हैं. इसी तरह पंखा, हैंडोला और मेरी गो राउंड जो हैं वो दायरवी रास्ते से चक्कर लगाते हैं पूरा, है ना. सर्कस में देखेंगे अपने छबीने में गोल चक्कर लगाते हैं पूरा. ऐसी कई मिसालें हैं हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं जिनमें दायरवी हरकत नज़र आती है. क्या आप दायरवी हरकत की मज़ीद मिसालें जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो इसकी तारीफ सुन लीजिए. पहले दायरवी हरकत यानी क्या, यहाँ पर दिया हुआ है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्क्यूलर पाथ इज कॉल्ड सर्क्यूलर मोशन. यानी जिसे उर्दू में कहेंगे दायरवी रास्ते से होने वाली हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं. अब देखेंगे एहतजाजी हरकत और दायरवी हरकत की मिसालों से हम ये समझते हैं कि कुछ अशिया मुकर्ररा वक्त में एक दौर यानी एक चक्कर या एक एहतजाज पूरा करती है. जिस तरह घड़ी में मिनट का काटा 60 मिनट में एक दौर पूरा करता है, मेरी गो राउंड जो है वो भी मुकर्ररा वक्त में ही अपना एक चक्कर पूरा करता है. शय की इस हरकत को दौरी हरकत कहते हैं. अब दायरी भी होती है ना, दायरे की शक्ल में तो हरकत कर ही रहा है लेकिन सेम वक्त में अगर वो दायरी हरकत करता है सेम वक्त में तो उसे दौरी हरकत भी कहेंगे, यानी जिसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन. बराबर, पीरियोडिक मोशन यानी दौरी हरकत. पूरा एक दौर घड़ी की सुइयां जो है वो पूरा एक चक्कर सेम वक्त में मुकर्रर पूरा करती हैं. पंखे के जो पत्ते हैं वो पूरा सेम टाइम में अपना दौर पूरा करते हैं, तो ऐसी हरकत को कहते हैं दौरी हरकत. दौरी हरकत की तारीफ, द मोशन इन विच द मूविंग ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. यानी उर्दू में जिस हरकत में शय मुकर्ररा वक्त के बाद एक मखसूस नुक्ते से बार बार गुजरती है उसे दौरी हरकत कहते हैं. यहां देखिए एक शक्ल दिखाया गया है, शक्ल में देखिए, आइए गौर करें. यूज योर ब्रेन पावर. विच टाइप्स ऑफ मोशन आर सीन व्हेन अ गर्ल राइड्स अ बाइसाइकिल एज शोन हेयर. यानी तस्वीर में जो साइकिल चलाती हुई लड़की की जो किस्म है वो कौन सी हरकत की किस्म है, जरा अपना दिमाग लड़ाइए. ओके, पीरियडिक मोशन समझ में आ गया. आप देखेंगे रेंडम मोशन यानी आजाद हरकत या जिसे हम आम जुबान में कहेंगे बेतरतीब हरकत. जैसे तितलियां उड़ती हैं, परिंदे उड़ते हैं, ये कब कहाँ बैठेंगे कोई गारंटी नहीं, कब किधर मुड़ जाएंगे नो गारंटी. उसी तरह से अगर हमने माला होती है ना मोतियों की माला, उसको अगर तोड़े तो उसके मन के जो हैं मोती किधर गिरेंगे कोई गारंटी नहीं, वो सब तरफ बिखर जाएंगे, किधर जाएगा कोई मालूम नहीं. ये जो हरकत है ना ये है रेंडम मोशन, बेतरतीब है, जिसकी तरतीब जिसकी सिमत किसी को नहीं मालूम, इस हरकत को कहेंगे बेतरतीब यानी रेंडम मोशन. इसकी तारीफ इस तरह से सुन लीजिए, द मोशन डैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड
कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रेंडम मोशन, यानी जिसे हम उर्दू में यूं कह सकते हैं, जिस हरकत की सिमत और रफ्तार बदलती रहती है उसे बेतरतीब हरकत कहते हैं, रेंडम मोशन कहते हैं। जैसे अभी बताया मैं तितलियों की हरकत, तितलियाँ मुसलसिल एक फूल से दूसरे फूल पर जाती रहती है, इनकी जो हरकत है वो बेतरतीब है। फुटबॉल का जो खेल होता है ना, फुटबॉल का, उसमें भी जो खिलाड़ियों की हरकत होती है वो भी बेतरतीब होती है। रेंगने वाला बच्चा, भटकते हुए जानवर, इनकी सारी हरकतें कैसी है? बेतरतीब, रेंडम मोशन है। तो अब देखेंगे हम चाल। इस सबक में तीसरा पॉइंट ये था, चाल यानी स्पीड। स्पीड ना, कोई भी चीज़ जो हरकत करती है, अब ये सबक मोशन का है इसलिए यहाँ पर हरकत बताई गई है। जब कोई चीज़ हरकत करती है तो उसकी स्पीड होती है, इसलिए इस सबक में स्पीड के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक मिसाल दी हुई है कि शोलापुर से पुणे एक बस, यानी 200 किलोमीटर का फासला है शोलापुर से पुणे, तो एक बस 5 घंटों में 200 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो बताइए कि एक घंटे में बस कितना किलोमीटर चली है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, तो स्पीड का एक फार्मूला है। तो यहाँ देखिए, इस मिसाल को हल करने के लिए हम तयशुदा फासला और दरकार वक्त का तनासुब मालूम करते हैं। इस तनासुब से हमें मालूम होता है कि बस ने इकाई वक्त में कितना फासला तय किया है। यहाँ फार्मूला देखिए, इकाई वक्त में शय के ज़रिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। यहाँ देखिए इसका फार्मूला, तयशुदा फासला बटे फासला तय करने के लिए दरकार वक्त बराबर होता है चाल। तो उसकी इकाई क्या है चाल की? यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर आवर, और दूसरा है मीटर सेकंड। यानी जो यूनिट है स्पीड की, जो यूनिट है किलोमीटर घंटा और दूसरा मीटर सेकंड, ये दो यूनिट है, इकाई है स्पीड की। इसे हमेशा याद रखना है।